नमस्कार, मैं दर्पण आनंद एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। आज के हमारे इस चर्चा का जो विषय है वो है इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। क्रिप्टोग्राफी के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, जो कि एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। आज के इस चर्चा के जो विषय रहेंगे वो हैं क्रिप्टोग्राफी टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस क्रिप्टोग्राफी में हम यूज़ करेंगे, स्ट्रीम और ब्लॉक साइफर में क्या डिफरेंस है, और इसके बाद हम देखेंगे कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम किसी भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में प्रयोग लेने वाले हैं, उसमें पहला है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का अर्थ है वो मैसेज जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, जिसे हमें सिक्योर करना है, उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, या दूसरी भाषा में हम उसको ओरिजिनल मैसेज भी कह सकते हैं। दूसरा जो टर्म है वो है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को कुछ लोग सिफर टेक्स्ट भी कहते हैं, जो कि कोडेड मैसेज है। अर्थात ये हुआ कि जो सिक्योर्ड मैसेज है उसे हम साइफर टेक्स्ट भी कहेंगे। इंक्रिप्शन या इनसाइफरिंग एल्गोरिदम्स, ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेंगे। डिक्रिप्शन और डिसाइफरिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि जो कोडेड मैसेज या साइफर मैसेज जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो व्यक्ति या वो मशीन इस कोडेड मैसेज को पुनः प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग करेगा उसे हम डिक्रिप्शन या डिसाइफरिंग कहेंगे। एक और टर्म है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ उस शिक्षा के फील्ड से हुआ जिसके माध्यम से हम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में करते हैं, ऐसी पूरी फील्ड को हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम का मतलब हो गया एक इस प्रकार का सिस्टम जिसके माध्यम से हम साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट, यानी कि ओरिजिनल मैसेज को कोडेड मैसेज में और कोडेड मैसेज को ओरिजिनल मैसेज में बदल पाएंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कहेंगे। क्रिप्ट एनालिसिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिप्ट एनालिसिस। कोई भी एल्गोरिदम कितनी ताकतवर है, ताकतवर का अर्थ कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, इसके लिए हम क्रिप्ट एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। इस क्रिप्ट एनालिसिस में हम विभिन्न प्रकार के अटैक्स का प्रयोग कर कर इस प्रकार क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि वो एल्गोरिदम किन किन अटैक्स के लिए रेजिस्टिव है और किन कौन कौन से अटैक इस एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं। एक और टर्म है क्रिप्टोलॉजी। इसे हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस को मिलाकर हम क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं। कोई भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम निम्न तीन डाइमेंशंस पर कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला, ऑपरेशंस जिनका प्रयोग कर कर हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल सकते हैं। माने जो मुख्यतः जो ऑपरेशंस होंगे वो होंगे साइफरिंग के, यानी कि इनक्रिप्शन के, और डिसाइफरिंग के, यानी कि डिक्रिप्शन के। तो इन ऑपरेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि किन कैटेगरीज पर ये ऑपरेशंस आगे फॉलो करें। दूसरा है नंबर ऑफ कीज। हम कितनी की, कितनी बड़ी की का प्रयोग करेंगे, इसके माध्यम से भी हम क्रिप्टोग्राफी को कैटेगराइज कर सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो बिंदु आता है वो है प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लेन टेक्स्ट को हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या प्लेन टेक्स्ट को हम पूरे के पूरे ब्लॉक्स में ले रहे हैं, या एक एक प्लेन टेक्स्ट की एक एक बिट या एक एक करेक्टर को लेकर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो प्लेन टेक्स्ट का कितना पार्ट, कैसा पार्ट प्रोसेस में आ रहा है, उसके भी माध्यम से हम क्रिप्टोग्राफी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेशंस, कि हम टाइप ऑफ ऑपरेशन का अर्थ हुआ क्रिप्टोग्राफी में जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो ऑपरेशंस किस प्रकार के हों। तो इसमें हम दो तरह के ऑपरेशंस में इसको बांट सकते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ये हुआ कि
कि हमारे पास जो भी करेक्टर आ रहा है उस करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर से चेंज कर देना। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हमने सी को +3 किया, तो सी जो है तीसरे नंबर पर और छठे नंबर पर जो आता है वो जे है, तो हमने सी को जे से अगर रिप्लेस किया, तो इस प्रकार के ऑपरेशन को हम सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन कहेंगे, जिसमें कि अल्फाबेट्स को या बिट्स को ऑल्टर किया जाएगा। दूसरा है ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन। ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन का मतलब है कि हमारे पास करेक्टर तो वही रहेंगे, लेकिन हम उनको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज का अर्थ यह हुआ, जैसे कि एक इसमें से उदाहरण आता है रेल फेंसिंग का। रेल फेंसिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग रेलवे की जिस प्रकार के जिगजैग जिगजैग आप लोगों ने उसकी फेंसिंग देखी होगी, उस प्रकार से हम अल्फाबेट्स को ऊपर नीचे लिखते हैं और सारे अल्फाबेट्स को एक साथ पढ़ लेते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अल्फाबेट तो वही रहेंगे, लेकिन उनकी पोजीशंस बदल जाएगी, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोजिशन साइफर। अब नंबर ऑफ कीज, तो जैसे हम एक है उसमें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और दूसरा है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का अर्थ ये हुआ कि एक ही की से हम इनक्रिप्ट करेंगे और उसी की से डिक्रिप्ट करेंगे, माने इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक ही की से होगा, तो सेंडर और रिसीवर एक ही की को शेयर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिप्टोग्राफी होगी उसको हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या सिंगल की क्रिप्टोग्राफी या कन्वेंशनल की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। इसमें मुख्य जो बिंदु है चिंता का वो ये की रहती है, इसलिए हम इसे सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। दूसरी है असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर के पास अलग अलग की होती है, लेकिन ये की एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। मतलब किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू हम ये दूसरी की को डिड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों की इंडिपेंडेंट है, ये दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये डिपेंडेंसी इतनी सिक्योर होती है कि किसी के पास अगर एक की हो तो दूसरी की को डिड्यूस करना संभव नहीं होता। इसीलिए हम इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का अर्थ ये हुआ इन दो में से एक की को हम पब्लिक कर सकते हैं, माने अगर किसी के पास एक की है तो वो सिर्फ इनक्रिप्ट कर सकता है या सिर्फ डिक्रिप्ट कर सकता है। तो अगर किसी के पास पब्लिक की ही है, सपोज किसी सेंडर के पास अगर पब्लिक की है और उसने इनक्रिप्ट करके मैसेज भेजा, तो उसको डिक्रिप्ट वो भी नहीं कर सकता अपनी की से। वो डिक्रिप्ट अगर होगा तो किससे होगा, दूसरी उस पेयर की दूसरी की से, जो कि प्राइवेट की किसी और दूसरे सिस्टम के पास या दूसरे यूजर के पास होगी। तो ऐसी की को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ऐसे और क्रिप्टोग्राफी को, और इसे हम असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। अगली जो कैटेगरी क्रिप्टोग्राफी की है वो है प्रोसेसिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट। मुख्यतः प्लेन टेक्स्ट दो प्रकार से प्रोसेस हो सकता है, ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर। ब्लॉक साइफर का अर्थ क्या है कि हम करेक्टर या बिट्स को एक ब्लॉक में लेकर उस पर हम क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस अप्लाई करें। दूसरा स्ट्रीम साइफर, जिसमें हम एक एक बिट या एक एक करेक्टर के ऊपर हम क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। निसंदेह स्ट्रीम साइफर ज्यादा सिक्योर हो सकता है, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। वहीं ब्लॉक साइफर में क्या होगा, प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा और हम उसको और सिक्योर बना सकते हैं। तो ब्लॉक साइफर का अर्थ यह हुआ, जनरली हम लोग 64 बिट या 128 बिट के टर्म्स में पूरा का पूरा ब्लॉक लेते हैं और पूरे के पूरे ब्लॉक को एक साथ हम क्रिप्टोग्राफी की इनक्रिप्शन एल्गोरिदम पर अप्लाई करते हैं या डिक्रिप्शन एल्गोरिदम पर प्रोवाइड कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार में एक पूरा का पूरा ब्लॉक प्रोसेस में जाएगा। वहीं स्ट्रीम साइफर, जैसा कि वन टाइम पैड एल्गोरिदम में होता है कि हर एक करेक्टर या एक बिट के ऊपर ऑपरेशन इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन अप्लाई होता है, तब हमको कोडेड मैसेज यानी कि साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट मिलता है। तो इस तरह से हम क्रिप्टोग्राफी को इन दो टेक्निक के माध्यम से एक कैटेगरी बना सकते हैं। अब मुख्यतः आता है कि स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर में क्या डिफरेंस है, इसकी थोड़ी और डिटेलिंग करते हैं। स्ट्रीम साइफर के कुछ उदाहरण हैं, एक है वेगनर साइफर और वर्मिन साइफर, इसके बाद वन टाइम पैड भी एक इसका उदाहरण है। तो स्ट्रीम साइफर में आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम लेते हैं। इस बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम का
तात्पर्य ये होगा कि जो की को इनपुट लेकर उस की से एक बिट स्ट्रीम, जिसे कि हमने क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम केटी कहा है, वो हमारे पास एज आउटपुट आएगी और फिर हम प्लेन टेक्स्ट जो कि बिट की फॉर्म में आ रहा है उसका ऑपरेशन कराने के बाद हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाता है। मतलब बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिथम का तात्पर्य की के माध्यम से की बिट स्ट्रीम को एस्टेब्लिश करने का है जो प्लेन टेक्स्ट की स्ट्रीम के साथ ऑपरेट होकर साइफर टेक्स्ट स्ट्रीम हमको एज एन आउटपुट देती है। और वहीं रिसीविंग एंड पर ये सेम की के माध्यम से फिर वही क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम केटी मिलेगी और साइफर टेक्स्ट के ऊपर दूसरा डिसाइफरिंग या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करकर हमको प्लेन टेक्स्ट स्ट्रीम मिल जाती है। मतलब की और प्लेन टेक्स्ट दोनों स्ट्रीम फॉर्म में होंगे और इन स्ट्रीम फॉर्म के ऊपर ही इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई होती है। वहीं ब्लॉक साइफर में हम लोग पर स्ट्रीम यानी कि पर करेक्टर या पर बिट के ऊपर काम ना करकर एक ब्लॉक ऑफ बिट या ब्लॉक ऑफ करेक्टर पर काम करते हैं। जनरली जो ब्लॉक साइज होता है वो 64 बिट का 128 बिट का लिया जाता है और इसके ऊपर हम ऑपरेशन इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। जैसा कि इस चित्र में विदित है कि बी बिट की प्लेन टेक्स्ट के ऊपर की अप्लाई होगी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के माध्यम से और हमें साइफर टेक्स्ट बी बिट का मिल जाता है और रिसीविंग एंड पर यही बी बिट का साइफर टेक्स्ट ऑपरेशन डिक्रिप्शन के बाद बी बिट के प्लेन टेक्स्ट में बदल जाता है। तो इस चर्चा में हम लोगों ने जाना कि क्रिप्टोग्राफी की जो विभिन्न टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो क्या है, क्रिप्टोग्राफी के फील्ड्स क्या हैं, क्रिप्टोग्राफी के फील्ड्स को किन माध्यम से कैटेगराइज किया जाता है, उन कैटेगरीज में क्या क्या चीजें होती हैं, स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर में क्या डिफरेंस है और जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमने अप्लाई किए वो क्या हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि क्रिप्टोग्राफी ऑपरेशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन में किस प्रकार से काम करती है, कितनी की के माध्यम से या नंबर ऑफ की के प्रयोग के माध्यम से हम क्रिप्टोग्राफी को सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में विभाजित कर सकते हैं और उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा इस लेक्चर में हम लोगों ने की। धन्यवाद।